दोस्तों, प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। ये माघ मेला आने वाली महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान को बेहद पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि माघ में मेले में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। माघ मेले में देश भर से तमाम साधु संत और अखाड़े के साधु भी स्नान करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन नागा साधु इन सब में अक्सर आकर्षण का केंद्र बनते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, महिला नागा साधु भी अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देती है। इनकी रहस्यमय जिंदगी की वजह से ही अक्सर लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। महिला नागा साधुओं का जीवन इतना आसान नहीं होता, उन्हें लगातार कड़ी तपस्या और भगवान की आराधना करनी पड़ती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पुरुषों की तरह महिला साधु भी नग्न रहती हैं? आइए आगे की वीडियो में आपको बताते हैं महिला नागा साधु के बारे में। बेहद कठिन है नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु सिर्फ पुरुष ही नहीं होते, बल्कि महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। नागा साधु बनने के लिए पुरुषों की तरह महिलाओं को भी कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। इसके नियम बहुत कठिन होते हैं। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं की परीक्षा का दौर कई सालों तक चलता है। नागा साधु बनने के लिए 10 से 15 साल कर कठिन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। उन्हें अपने गुरु को इस बात का यकीन दिलाना होता है कि अब उनका जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो चुका है। इसके बाद वो खुद को अपने जीते जी पिंडदान कर देती हैं। इनका पूरा दिन भगवान की भक्ति में लीन होकर ही गुजरता है। जानकारी के लिए बता दें कि नागा साधु बनने के दौरान महिलाओं को अपने का मुंडन करवाना पड़ता है, जिसे बाद में उन्हें पवित्र नदी में स्नान करवाकर पूरे विधि विधान के साथ नागा साधु बनाया जाता है। महिला नागा साधु बहुत दुर्लभ मौकों पर ही नजर आती है। ये आम जनजीवन से बहुत दूर घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में ही रहती है। क्या पुरुषों की तरह निर्वस्त्र रहती है महिला नागा साधु? महिला नागा साधुओं की सुबह भगवान की आराधना से शुरू होती है। सभी साधु और साध्वियाँ उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। उनका ओहदा बहुत ऊंचा होता है। नागा साधु दो तरह के होते हैं, वस्त्रधारी और दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र। ऐसे में क्या महिला नागा साधु भी निर्वस्त्र रहती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती, वो अपने शरीर पर एक गेहुआ रंग का वस्त्र धारण करती हैं। लेकिन ये कपड़ा सिला हुआ नहीं होना चाहिए। इस वस्त्र को गंती कहते हैं। इसके साथ ही उन्हें माथे पर तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही उनके शरीर के कई हिस्सों पर भस्म भी लगाए हुए रहती हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।